अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब। होप यू ऑल आर डूइंग ऑसम। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं C3S9 के जो टेयर रिवार्ड्स होने वाले हैं M17 के अंदर, कौन से होने वाले हैं, कैसे होने वाले हैं, सब कुछ इस वीडियो में टोटली एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और उसके बाद मैं आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा एंड में, तो एक्टिव यूजर्स लाजमी से ये सुन लेना, ठीक है। तो आज से इंशाल्लाह हमारा डेली वीडियोज़ फिर से स्टार्ट, क्योंकि मेरे कुछ पेपर्स चल रहे थे जिसकी वजह से मैं डेली वीडियोज़ नहीं ला पा रहा था। 3 दिन मिस, 2 दिन मिस या 1 दिन मिस हो ही रहा था, ठीक है। तो आज मैंने बोला आप लोग के लिए वीडियो बना देता हूँ, आज पेपर एंड हुए हैं तो आप लोग के लिए वीडियो भी बना देते हैं। अब सीन क्या है इसमें, यह है कि C3S9 के जो टेयर रिवार्ड्स हैं ना, बहुत ही OP आने वाले हैं। C3S8 के कौन कौन से आने वाले थे, मीन C3S8 के कौन कौन से आए हैं M16 के अंदर, वो पहले आप लोग को दिखा देता हूँ। वैसे तो आप लोग को पता होगा, बट मैं फिर भी आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये क्राउन के हैं, ठीक है। और ये मैं पहले आप लोग को ना पीछे से दिखा देता हूँ, ताकि ना आप लोग को सारा डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ पर देख सकते हो ये सारे रिवार्ड्स हैं। ये आउटफिट था, ठीक है, गोल्ड का, और इसके बाद प्लेटिनम के ऊपर ये चश्मा था, और उसके बाद डायमंड पे SKS की स्किन थी, और ये आपको मिलना था यहाँ पे जो रोटेशन कार्ड होता है, ठीक है। और एस पे आपको ये चीज़ मिलनी थी, ठीक है, मास्क, और एस डोमिनेटर पे आपको ये मिलना था। कॉन्करर पे आपको जैसे पता है कि आपका फ्रेम और अवेटर मिल जाता है एस डोमिनेटर पे, और कॉन्करर पे आपको फ्रेम मिल जाता है। अब मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ C3S9 के, ठीक है, जो रिवार्ड्स आने वाले हैं। सबसे पहले जो आपको पिक शो हो रही है, ये सारे आप लोग को C3S9 के टेयर रिवार्ड्स के बारे में बात करेंगे आज हम। तो सबसे पहले जो हमारी पिक जो शो हो रही है, वो हो रही है सिल्वर की टेयर रिगार्ड की, ठीक है। इसमें क्या सीन है, इसमें ना आपको ग्लासेस मिलेंगी, ये जो ग्रीन कलर के ग्लासेस आपको नज़र आ रहे हैं, ये ग्लासेस मिलेंगी आपको सिल्वर पे, ठीक है। और M17 की बात करूँ C3S9 के, ठीक है। बाकी अब हम बात करें गोल्ड टेयर आउटफिट की, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा पिंक कलर का, भाई बहुत ही OP है, ठीक है। और रियल जो लुक आने वाली है 3D लुक, वो भी आप लोग को बहुत जल्द नज़र आ जाएगी, इसलिए लाजमी से यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी उसके बाद हमारे पास प्लेटिनम के पैराशूट आ रहा है प्लेटिनम पर, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये पैराशूट आ रहा है। और अब आप लोग को इंतज़ार होगा कि भाई डायमंड पे अब कौन सी गन आने वाली है। इस दफ़ा तो SKS आई, बट नेक्स्ट टाइम कौन सी गन आने वाली है। तो डायमंड पे हमारे पास आने वाली है M24 गन स्किन, ठीक है। M416 इन्होंने कभी भी नहीं देनी, ना ही ग्रोइंग पैक पर, ना ही इधर। तो M24 अच्छी सी स्किन है, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। और उसके बाद आपको एस टेयर पर जो मिल रहा है, वो मिल रहा है मास्क, ये सिंपल सा मास्क के भाई, इतना खास नहीं है। उसके बाद आपको एस मास्टर पे मिल जाता है हेड गियर, जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। बाकी आप लोगों ने बताना है भाई M16 आप लोगों को कैसा लगा। भाई मुझे तो 50 RP का जो आउटफिट था बहुत ही बेकार टाइप का लगा। आप लोगों को कैसा लगा आप लोगों ने कमेंट में लाजमी से बताना है। उसके बाद क्या सीन है, एज डोमिनेटर अवेटर। अब एज डोमिनेटर का जो अवेटर है, वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ज्यादा चेंजेस कुछ भी नहीं होती, बट बस उधर लिखा आ जाता है C3S9, बस और कुछ भी चेंज नहीं होता। और यहाँ पे कॉन्करर टेयर का फ्रेम, ठीक है, ये आपको फ्रेम भी नजर आ रहा होगा। लाइक मैंने जितने भी फ्रेम देखे ना, सेम ही होते हैं कॉन्करर के। अब हम बात करते हैं भाई जो C3S9 का, जो M17 का रोल पास की लीक्स आने वाली हैं, बहुत ज्यादा आने वाली है, तो इसलिए चैनल को लाजमी से आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी बहुत से लोग कह रहे थे कि यार क्या सीन होने वाला है, हमारे जो एक्टिव यूजर्स हैं रोल पास कब मिलेंगे, कैसे सीन होगा सब कुछ। तो भाई आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों ने अभी एक्टिव रहना है, उसके लिए कोई एक अच्छी सी सिर्फ वो सिंगल ही वीडियो आएगी। अभी तो एक्टिव यूजर्स का आज से फिर स्टार्ट है, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है कि आज है ट्यूजडे, और अगले ट्यूजडे को हम एक और गिव अवे करेंगे, और इस दफ़ा आप लोगों ने फर्स्ट आना है। टाइमिंग आपको कल से बता दी जाएगी कि भाई क्या टाइमिंग होने वाली है, क्या चीज़ है वीडियो का, सब कुछ ना आपको कम्युनिटी पोस्ट में बता दूंगा आज ही, ठीक है। आज ही रात को आपको बता दूंगा कि भाई कल कितने बजे वीडियो आएगी, ठीक है, और फिर डेली इतने बजे ही वीडियो आएगी। वैसे अभी क्या सीन है, कभी 5 बजे आ जाती है, कभी 3 बजे आ जाती है, तो यही सीन है। तो इंशाल्लाह मैं आपको कल आज ही ना डेट फिक्स करके बता दूंगा। बाकी अब आप लोगों ने बताना है कि भाई आपको C3S10 के टेयर रिवार्ड्स कैसे लगे। बाकी आप लोगों को पता होगा कि क्लाउन मास्क भी हमारे पास बैक आने वाला है, वो किस तरीके, सब कुछ मैंने वीडियो में, पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग देख लेना। बाकी अभी बनी सेट भी आने वाला है, M24 की स्किन भी आने वाली है, M416 भी आने वाली है, और इसके साथ ये सेट भी आने वाला है, और क्लाउन मास्क भी आने वाला है, वो भी हमारे पास आने वाला है M18 के अंदर। M17 के अंदर जो हमारे पास बैक आ रहे हैं ना रिवार्ड्स, वो बहुत गंदे से, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कुछ दिनों तक दिखा दूंगा। वो यही थे टेयर रिवार्ड्स जो कि मैंने आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा दिए, सारे जो पैराशूट
शूट्स आने वाले थे, अवेटर थे, फ्रेम थे, और जो लाइक आउटफिट था वो भी मैं आप लोग को दिखा दिया। 3D लुक जैसे है कि आप लोग को मैं वीडियो के फॉर्म में दोबारा बता दूंगा। और ये सीन है, बाकी M17 की लीक्स भी बहुत जल्द मैं आप लोग को अनाउंस कर दूंगा 3D लुक पे जैसे आएगी। इंशाल्लाह आप लोग एक्टिव रहें और ऐसे ही मेरे साथ यार जुड़े रहें। इंशाल्लाह ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पबजी का एक एक चीज़ आप लोग को मैं बताता रहूँगा। और इंशाल्लाह आप तो डेली है ना, आप तो डेली रिसर्च होगी, तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है आप लोग को। मैं पेपर्स की वजह से थोड़ा सा रुका हुआ था कि भाई आप लोगों के लिए धमाल वीडियोस तब आएंगी जब पेपर्स खत्म हो जाएंगे। तो ये थी वीडियो, वीडियो कैसी लगी आप लोगों ने लास्ट में से बताना है। मिलते हैं स्टूडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।